तो इससे अच्छा यह है कि अपना मजहब बचाने के लिए हम गार की तरफ चले जाएं और किसी गार में पनाह लेकर अपने रब की रहमत पर भरोसा करके अपने आप को वहां पोशीदा कर दें। असहाबे करम का वाक्य भी है, हमारे उलमाओं का वाक्य भी है। जब अंग्रेजों ने उन्हें डराया और जब अपनी आंधी दिखाई तो हमारे उलमाओं ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने बाबू लाशरी को छोड़कर तुम्हारी परस्तिश करें। तो अपना ईमान बचाने के लिए वो शहर छोड़कर गांव की तरफ चले गए और वहां मदरसे गोया की गार की तरफ छोड़ गए। उसके बाद ये होता है कि अल्लाह पाक उनकी हिदायत में और इजाफा कर देता है और उन पर एक नींद तारी कर देता है। हमारे उलमाओं के साथ भी मदरसों में यही हुआ, उनकी हिदायत में इजाफा हुआ, लेकिन मॉडर्न जमाने के एतबार से अल्लाह ने उन पर एक नींद तारी कर दी। अब दुनिया में जो भी होता रहा, वो उससे सोते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है कि जो आसमानों और जमीन का रब है वो उन्हें करवटें दिखाता है, 6 महीना दाई करवट, 6 महीना बाई करवट, और तुम उनको देखते तो तुम्हें लगता कि वो जगे हुए लेकिन दरअसल वो सो रहे हैं। हमारे मदरसों का भी हाल करता है ऐसे ही। अल्लाह हर 6 महीने उन्हें करवट दिलाता, कभी ये जलसा कभी वो जलसा, लेकिन उनको देखते तो हमें लगता कि वो जगे हुए हैं, दरअसल मॉडर्न जमाने के एतबार से वो सो रहे हैं। लेकिन ये सोना उनका कितना बड़ा, जैसे असहाबे कहफ का सोना भी बहुत हिम्मत। जब ये अपने मदरसे निकले तो उस वक्त अल्लाह कहता है कि सूरज की जो शुआएं हैं वो ऐसे आती कि इस गार को छोड़कर कभी दाई तरफ की जानिब से निकल जाती, कभी बाई तरफ की जानिब से निकल जाती। हमारे मदरसों ने टेक्नोलॉजी में यही किया, जब भी टेक्नोलॉजी की बात की गई मदरसे में जाने के लिए तो कभी वो दाई तरफ से निकले कभी वो बाई तरफ से निकले। जैसे सूरज की रोशनी गांव में नहीं पहुंची वैसे मॉडर्न जमाने की टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज गांव में नहीं पहुंची। फिर होता क्या है, एक दिन ऐसा हुआ कि वो उठते हैं और उठकर आपस में पूछते हैं कि हम इतना मदरस हो कुरान में ऐसे ही वो सातों लोग बेदार होते हैं, सातों लोग असहाबे कहफ में है, गार में उनकी नींद खुलती है और जब गार में उनकी नींद खुलती है तो आपस में ये पूछते हैं, ये थोड़ा सा अहम पॉइंट, कुछ पॉइंट टाइम है हमारे पास थोड़ा सा कम दिखो बस बस ठीक है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये समझा के कि सातों लोग उठते हैं, उठने के बाद आपस में ये तय करते हैं कि हम कितनी देर सोए, तो इनमें से एक कहता है कि हम दिन का कुछ एक हिस्सा सोए या कुछ घंटे सोए। आज हम कन्नौज में यहाँ मिले इसीलिए हैं आपस में पूछने कि हम कितनी देर सोए, तो इसमें से कई आदमी लोग कहेंगे हम तो कुछ हिस्सा सोए थे, हम तो सो ही नहीं थे। कुछ मॉडर्न जमाने के लोग आए वो कहेंगे नहीं हम तो सोए थे, आदमी कहेंगे नहीं हम तो नहीं सोए। आज हमें इस मदरसे में वो हो रहा है जो असहाबे कहफ के साथ वहां पर हुआ, तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वक्त की तंगी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊँ हमें करने की क्या जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के इस दौर का सॉल्यूशन जंगे उहद में रखा है। आप जंगे उहद का वाक्य जानते हैं, जब कुफारे कुरैश मुसलमानों से लड़ने आए तो अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई और मुसलमानों से पूछा ये बताओ कि ऐ मेरे सहाबा ये बताइए क्या करना चाहिए, मदीने में रुक कर मुकाबला करना चाहिए कि उहुद के मैदान में चलकर पहाड़ी के पास मुकाबला करना चाहिए। तो सहाबा इकराम चाहते थे कि मैदान में चलकर कुफारे कुरैश से मुकाबला किया जाए, जबकि अल्लाह के रसूल ये चाहते थे कि मदीने में रुक कर दज्जाली फितने कहते हैं
सवाल ये उठता है कि हमें बाहर निकलकर उहद के मैदान में जाना चाहिए कि मदीने में रुककर मदरसे में रुककर इस कुफार कुरैश का सामना करना चाहिए। जवाब ये है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ हमें मदीने में रुकना चाहिए, हमारे उलमा ये चाहते हैं मदरसे में रुककर इनका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन नबी पाक की सुन्नत को आप अदा करिए, वो चाहते थे मदीने में रुकना लेकिन उहुद के मैदान में सहाबाओं को लेकर रोमा चढ़ रहे, हमारे आलिमों को चाहिए कि हमारे बच्चों को लेकर खुले मैदान में इस दुनिया के फिक्रों से मुकाबला करने हमें भी नहीं करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने जब नमाज पढ़ाई तो दो पत्थर पहनकर आप आए, दो पत्थर पहनकर आए, सहाबा इकराम दिल में कहा या रसूल अल्लाह एक नहीं पहनते थे आज दो पहने, तो कहा हम मदरसे में रुकना, हम मदीने में रुकना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, जब तक पैगंबर बख्तर पहन लेता है मैं उसके लिए ठीक नहीं कि वो बख्तर उतार ले, जब तक अल्लाह उसके और उसके दुश्मनों की फैसला ना करे। आज हमारे आदमियों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा करके दो बख्तर पहनिए और दो बख्तर हमें पहनाइए। पहला बख्तर है दीनी एजुकेशन का, कुरान और हदीस, जो दुनिया के ग्रेजुएट है उनको कुरान हदीस का दर्श दिलवाइए, और दूसरा बख्तर है मॉडर्न एजुकेशन का, जो कुरान के हाफिज हैं उनको दुनियावी एजुकेशन हो चुकी है, अब उन्हें जो कुरान के हाफिज हैं दीनी एजुकेशन हो चुकी, अब उन्हें दुनियावी एजुकेशन दिलवाइए, उन्हें चांदी सिखवाइए, उन्हें इंग्लिश सिखवाइए, ताकि हमारे उलमा मॉडर्न जमाने के फितनों का बाहर निकलकर मुकाबला कर सके। दो मुसलमानों को हमारी बच्चियां बेची जा रही है, हमारे घर जा रहे हैं, एक बख्तर पहनकर मुकाबला हो भी नहीं सकता, आप ही दुनिया के कुल उसके बाद क्या करना होगा, बस अपनी बात खत्म कर दी मैंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को उहुद की पहाड़ी पर खड़ा किया और कहा कि मुसलमानों की पुष्टि बचाना, ना कोई तकलीफ आई है ना इंशाअल्लाह आ सकती है। हर मजहब के कानून इसकी किताबों से मालूम होते हैं, इसी तरह इस्लाम के कानून के लिए कुरान और हदीस को माफूज और मराजे बनाया गया है। किसी मजहब की मजबूती देखनी हो तो ये देखा जाए कि इसकी किताबत कितनी महफूज है, इसकी डॉक्यूमेंट्री कितनी मजबूत है। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे करम पर ली है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, सूरह हुज़ुर आयत नंबर 9। तर्जमा, बेशक हमने ही इसे नाज़िल किया और हम भी इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। कुरान करीम की एक एक आयत मुतवातिरन सहाबाए किराम से मनकूल है और कहीं भी एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं आता। अब सवाल रहा हदीस का, तो सहाबा ने शुरू ज़माने से ही कुरान की तदवीन के बाद हदीस की हिफाजत के काम शुरू कर दिए थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में देखा कि जब कुरान करीम को जमा करने और लिखने का काम पूरा हो चुका तो उन्होंने अपने दौर के मुहद्दिसीन को हदीसें जमा करने का हुक्म दिया और उन्होंने अबू बकर बिन मोहम्मद बिन हज़म को हक लिखा कि अब हदीसों की तदवीन का सिलसिला शुरू किया जाए। बस इस फरमान का जारी होना था कि हदीसों को जमा करने का काम बड़े पैमाने पर जारी हो गया। उनमें सबसे मुकदम रबी बिन सबी, सईद बिन अलूबा और इब्ने शिहाब ज़ोहरी ने हदीस के मुताबिक हर एक बाब में एक एक मुस्तकिल रिसाला लिखना शुरू कर दिया। फिर किसी ने बतौर मसानी, किसी ने बतौर अबवाब सिफा वगैरह मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़खीम किताबें लिखी और हदीसों की सेहत का दार मदार इसकी सनद पर रखा गया। हदीस की सनद जितनी मजबूत होगी उससे इतनी ही मजबूत दलील बनाई जा सकती है, यही इल्म उसूल हदीस कहलाता है। इसकी वर्ष हदीसों में गलतियाँ होने से बचाना और सही को गलत से अलग करना है, यानी तहफ़्फ़ुज़ हदीस है। किसी भी इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इस इल्म के मौजू से लगाया जा सकता है। उसूल हदीस का मौजू सनद व मतन यानी हदीस है
और हदीस की अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीयत के बहुत से अहकाम जिस तरह कुरान पाक पर मबनी है उसी तरह हदीस भी अहकाम शरिया का एक अहम तरीन मुहाफिज है। मौजूदा दौर में ये इल्म भी मज़ीद कम होता जा रहा है, लोग इसकी अहमियत से गाफिल हो रहे हैं। न सिर्फ आवाम बल्कि खवास में भी ये बात देखी जाती है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम को उठाना पड़ रहा है। और अगर यही अलमिया रहा तो आने वाले वक्त में हाल ये होगा कि जिसका जो दिल चाहेगा वो हदीस के नाम पर बयान कर देगा। अक्सर लोगों को तो ये कहते सुना कि भाई हम तो सिर्फ रिवायतें पढ़ते हैं, हमें इस कलीम की कोई खबर नहीं, और रिवायतें भी ऐसी कि अल्लाह की बना। सहीहैन में हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हम मानते हैं कि जानबूझकर सब लोग हदीस के नाम पर झूठ नहीं बोलते होंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके तारीफ से एक और हदीस शरीफ पर नजर कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी हुई बात को बयान कर देता है। क्या हमें कुछ बयान करने से पहले इसकी तहकीक कर लेने की जरूरत नहीं थी? आवाम के अलावा खवास से भी ऐसी गलतियां साजिश हुई हैं, लेकिन क्योंकि उसूल हदीस की अहमियत को समझा नहीं तो जो रिवायत पाई बयान कर दिया। बेशक हम अहले सुन्नत व जमात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारी पहचान है, हदीसों का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे फिरकों ने इस पर बहुत काम किया है, जबकि हमारे यहाँ इस इल्म को ताक पे रख दिया गया है। पिछली 14 सदियों में कितनी किताबों में तहरीफ कर दी गई हमें खबर तक नहीं, हम रिवायती तौर पर बस बयान करने में लगे हुए हैं। और आज के गैर मुकल्लिदीन ने और देवबंदियों ने भी अकाबरीन की कितनी किताबें हत्ता के सिफा सिक्का में भी कई जगह तहरीफ कर डाली है। अगर हम सिर्फ बयान करने में ही लगे रहे तो आने वाले वक्त में हमारे हाथ से ये सारी असल किताबें निकल जाएंगी और तहरीफ शुदा बातें रह जाएंगी, जो कि यहूदी और कुफार का मनसूबा रहा है। कुछ मोतबर किताबें जिनमें तहरीफ की गई हैं उनके नाम जिक्र किए जा रहे हैं, उनमें सुनन नताई शरीफ भी शामिल है जो कि सियासत्ता की एक किताब है, दूसरी मदारिजुन नबुवा, तीसरी शरा शिफा, चौथी अल कौलुल बदी, पांचवी बुनियादुत तालिबीन। ये दुनिया की मशहूर तरीन किताबें हैं जिनमें तहरीफ कर दी गई हैं और हमारे लोग हम तब इससे अनजान हैं। इनके साथ मैं चंद रिवायतों का भी जिक्र करना चाहूँगा जिन्हें बतौर हदीस हमारे लोग बयान करते हैं। उनमें पहली रिवायत है कि एक मरतबा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह फजर की अजान नहीं दी तो उस दिन सूरज नहीं निकला, उस दिन सुबह ही नहीं हुई। ये रिवायत बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बयान की जाती है कि ये हदीस शरीफ में मौजूद है, हालांकि ये बेअसर बात है, हदीस शरीफ में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, यानी कि ये गलत बात है जिसको हदीस के तौर पर बयान किया जा रहा है। दूसरी एक रिवायत बयान की जाती है कि हजरत वाइस कर्नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद होने की खबर सुनी तो उनकी मोहब्बत में अपने तमाम दांत शहीद करवा दिए कि न जाने वो कौन सा एक दांत होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहीद हुआ है। हालांकि ऐसी भी कोई हदीस नहीं है, ये बेअसल बात है जिसको हदीस के नाम पर बयान करना बिल्कुल गलत है। तीसरी रिवायत ये भी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बुढ़िया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ कूड़ा फेंका करती थी और फिर एक मरतबा वो बीमार पड़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर वो बुढ़िया ईमान ले आई, वो मुसलमान हो गई। ये रिवायत भी बेअसर है, इसकी कोई असर नहीं है, हदीस नहीं है, जो इसको हदीस कहकर बयान करे वो गलत कर रहा है। चौथी एक बहुत खास और मशहूर रिवायत जो मैं बयान करना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अयमे का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद, उमर उसकी दीवार और उस्मान उसकी छत है। ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बयान की जाती है हदीस के नाम पर। हालांकि आपको बताऊँ इस रिवायत के भी असर होने की 3 वजह हैं। पहली वजह कि ये जो इजाफी अल्फाज हैं कि मैं अयमे का शहर हूँ और अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, ये जो इजाफी अल्फाज हैं इसकी कोई सनद ना तो किसी सहाबी तक पहुंचती है और ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरह भी ये मनकुल होकर किसी ताबई के जरिए से हम तक आती है, यानी इसकी कोई भी सनद ऐसी नहीं है जो किसी सहाबी तक पहुंचती हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें किसी ताबई के जरिए से मिलती हो। दूसरी वजह कि ये जो अल्फाज आए अभी शुरू कहाँ से हुए इसके बारे में जान लेते हैं,
इसको सबसे पहले लिखा था इमाम इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख में, और उन्होंने ये पूरा वाकया लिखा था कि एक खतीब अपने ज़माने का अपनी महफिल में खिताब कर रहा था, तो उसकी महफिल से एक शख्स ने उठकर उसे सवाल किया कि आप इस रिवायत के बारे में क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो उस खतीब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी रिवायत मैं नहीं जानता, मैं तो इसको दूसरे तरह से जानता हूँ। फिर उस खतीब ने अपनी ज़ुबान ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाज़ा है। तो ये जो इजाफी अल्फाज आए हैं ये बाद में उस खतीब की ज़ुबान से निकले हैं, इसकी कोई सनद नहीं थी, ना तो इसको किसी सहाबी ने फरमाया था और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कोई अल्फाज मनकूल हैं। तो वहाँ से ये अल्फाज शुरू हुए और आने वाले जो अगले लोग थे वो इसको बराबर नकल करते रहे, फिर धीरे धीरे करके हमारे वहाँ ये बतौर हदीस मशहूर हो गई कि ये पूरी हदीस इस तरह से बोली जाती है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसका उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है और अली उसके दरवाजे हैं। दूसरी बात की जिस खतीब ने ये अल्फाज बोले थे उसका नाम इस्माइल बिन अली बिन अल मुसना था, जिसके बारे में इब्ने हजर असकलानी जो कि रिजाल के इमाम हैं उन्होंने भी, और इमाम ज़हबी ने ये भी रिजाल के इमाम हैं उन्होंने भी सराहतन लिखा हुआ है कि ये जो शख्स था जिसने पहली बार ये अल्फाज शामिल किए थे हदीस में, ये शख्स कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है। तो उसूल हदीस के मुताबिक किसी रिवायत की सनद में अगर कोई रावी कज़्ज़ाब आ जाए तभी रिवायत मौजूद हो जाती है। तो पहली वजह यह कि इसकी कोई सनद थी ही नहीं जो किसी साहबी से आती हो, दूसरी वजह यह कि जिसने बयान किया वो खुद कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, और तीसरी वजह यह कि इसका जो मतन है वो उसको मान लेने से फसाद भी लाजिम आता है। क्योंकि ये मैं अपनी तहकीक के मुताबिक बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये जो मतन की बात है वजह यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात है, तमाम कायनात में जिसको जो कुछ मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिला है। फिर ये मान लेना हमारे अकीदे से टकराया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की बुनियाद अबू बकर है और दीवार उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और छत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। पहली दो वजूहात तो मैंने आपके नाम में बयान कर दी, किताब के हवाले से मीज़ानुल एतदाल में भी लिखा हुआ है, मीज़ानुल मीज़ान में भी लिखा हुआ है, तकरीबुल तहज़ीब में भी लिखा हुआ है कि वो शख्स कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है। अब जो मैं मतन के बारे में बयान कर रहा हूँ कि इसके मतन का जो मफहूम है वो अहले सुन्नत के अकीदे से टकराता है, इस वजह से भी ये रिवायत मौजू है। तो ये जो असल रिवायत है जो साबित है वो सिर्फ इतनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, ये असल रिवायत है, ये साबित है। इसे इमाम हाकिम ने मुस्तदरक हाकिम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया हुआ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस कदर झूठ मंसूब किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे, अगर हम उसूल हदीस और तहकीक के फन को आम करें तो इंशाअल्लाह तआला बहुत मुमकिन है कि इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। मैं मानता हूँ कि सारे लोग ये इल्म हासिल कर लें ये मुमकिन नहीं है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, कोई ज़बानी दिलचस्पी रखता है, कोई हदीस में रखता है, कोई क़यात में, कोई तफसीर में। सो एक तबका ऐसा भी हो जो इस इल्म पर काम करे और सही को गलत से अलग करे और इस इल्म को खास तवज्जो के साथ दर्स निज़ामी में पढ़ाया जाए ताकि अच्छी तरह से हम हदीसों की खिदमत कर सकें। सहाबा इकराम जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनते थे वो भी दूसरों को बयान करते वक्त बहुत एहतियात से काम लेते थे। यही हाल तबईन का था। एक वाकया पेश खिदमत है जिसे इमाम हाकिम ने नकल किया है। एक मरतबा इब्ने फरमा नामी एक शख्स ने हजरत इमाम ज़ुहरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बग़ैर सनद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की। इस पर इमाम ज़ुहरी ने गुस्से में फरमाया ऐ अबू फरमा तुझे अल्लाह तबाह करे, तू किस चीज़ से अल्लाह पर जुर्रत करता है कि तेरी हदीस की कोई सनद नहीं है, तू हमसे ऐसी हदीसें बयान करता है जिसकी ना नकील है ना लगाम। हवाला माफ़ हदीस सफ़र नंबर 42। याद रहे कि ये अबू फरमा जिन्होंने हदीस को बयान किया था ये कोई आम शख्स नहीं थे बल्कि ये खुद अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उसके बावजूद इमाम ज़ुहरी एक ऐसे मुहद्दिस से भी बिला सनद हदीस को अल्लाह पर जुर्रत करना कह रहे हैं, और हमारा हाल ये है कि हमने सनदों को बयान करना तो क्या बल्कि खुद अपने लिए सनदों को पढ़ना भी छोड़ दिया है। बल्कि आज तो हम ये ज़रूरी भी नहीं समझते कि जो चीज़ हम बयान कर रहे हैं उसकी कोई सनद है भी या नहीं। एक और वाकया इमाम हाकिम की इसी किताब से पेश है। अपने वक्त के एक मुहद्दिस
हजरत अबू बिन अबी सलमा इमाम हदीस हजरत इमाम औसाई की खिदमत में 4 साल रहे और इतने तवील अरसे में उन्होंने उनसे सिर्फ 30 हदीस समाप्त फरमाई। एक दिन वही हजरत से कहने लगे, आपकी खिदमत में रहते हुए मुझे 4 साल हो गए लेकिन इतने तवील अरसे में सिर्फ 30 हदीसें मैं आपसे हासिल कर सका। इस पर इमाम औसाई ने फरमाया, 4 साल की मुद्दत में 30 हदीसों का जखीरा तुम कम समझते हो। हालांकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने सिर्फ 1 हदीस के लिए मिस्र का सफर किया, सवारी खरीदी और इस पर सवार होकर मिस्र गए और हजरत उतबा बिन आमिर से मुलाकात करके मदीना वापस लौट आए। मतलब ये कि 4 साल में भी 30 हदीसें हासिल कर लेना काफी है, लेकिन हदीसों के लिए मेहनत करने की जरूरत है। हमें बिना तहकीक कोई हदीस बयान नहीं करनी चाहिए, खुसूसन जिसकी कोई सनद ना हो, और उसूल हदीस को आम करना चाहिए ताकि इस्लाम में गलत बातें शामिल होने से हम बचा सकें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समाज फरमा रहे हैं बड़े ही कीमती और वकी मकाला ये हजरात तहरीर फरमा के लाए हैं। यह के बाद दीगरे आप हजरात इनसे इनकी इल्मी काबिशों को मुलाहजा फरमाएंगे। अगरचे हमारी अक्सरियत का मिजाज वही रिवायती जलसों और जोश व फरोश के लबरेज तकारीर और अशआर सुनकर मगर हो जाना ये हमारा एक मिजाज बन चुका है, लेकिन यकीन जाने ये हुजूर बहरुल इरफान दामाज़िल्लाहु अली की बुलंद फिक्री की दलील भी है और उनकी दिली तमन्ना है कि हमारी कौम में हमारे माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अहले फिक्र तहकीक पैदा हो और हमारे मिजाज में भी तब्दीली आए। इसलिए वो इन कीमती हजरात को मनु करते हैं और ये हजरात उनकी मोहब्बत में तशरीफ भी लाते हैं। ये बहुत कीमती अशख़ास हैं, इन्हें सामईन की ज़रूरत नहीं है बल्कि सामईन को, कौम को, मसलक को और मजहब को इनकी इल्मी तहकीकात की सख्त ज़रूरत है। ये बड़े कीमती अशख़ास हैं, ये अल्लाह तशरीफ फरमा है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। बाद हज़रात को आपने कल समाअत फरमाया था, कुछ हज़रात को अभी इस वक्त समाअत करेंगे और कुछ हज़रात को आप दूसरी मीटिंग में सुनेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि बड़ी ही तवज्जो और होशो फिरत के साथ में इनकी गुफ्तगू इनके मकालात समाअत फरमाएं। ये चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए ये हज़रात मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपने मकालात और तहरीरात का खुलासा और निचोड़ पेश फरमा दें। और जैसा कि इंसान हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुस्तरद तज़किरा नफ़ात मौला अली के नाम से जामिया ने शाया किया है, इंशाअल्लाह आगे भी इन मकालात को ज़रूर शाया किया जाएगा इन हजरात से हासिल करके। लिहाजा जब किताबी शक्ल में लोग पढ़ ही लेंगे तो खुलासा पेश फरमा दें और थोड़ी थोड़ी देर ताकि तमाम हजरात को मौका भी मिल जाए और वक्त की भी रियायत हमें करने में कोई दुश्वारी ना हो। लिहाजा ये देख रहे हैं बड़े अच्छे कलमकार हजरत हाफिज हाशिम कादरी मिसबाही जमशेदपुर टाटा से जिनका ताल्लुक है, कल आपने इनका बड़ा अच्छा मकाला समाप्त फरमाया था, तशरीफ फरमा है। एक जवान और जवामर्द कलमकार हजरत मौलाना जफरुद्दीन बरकाती एडिटर महनामा फजल ईमान हजरत डॉक्टर अब्दुस्सलाम जीलानी प्रोफेसर शोबे तारीख अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिनके मकाले आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से समाप्त फरमा रहे हैं, बड़ा ही दीदावली पर मबनी होता है इनका मकाला, वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा नबील अख्तर साहब
अल्लामा मंजर मोहसिन साहब और हमारे हरदम मौला हजरत मौलाना हाफिज अनवार शेरी साहब, जिन्हें जिस मैदान में खड़ा कर दीजिए ऐसा महसूस होता है कि ये इसी मैदान के शहसवार। आप इनसे इतनी बेहतरीन नाते मरतबे भी समाप्त कर सकते हैं, मकाले भी सुन सकते हैं, तकरीर भी सुन सकते हैं और वक्त पड़े तो ये दुआ भी कर सकते हैं। और हमारे बहुत ही असली तालीम में दर्द रखने वाले इंजीनियर तौहीद साहब बड़े नेक मिजाज और नेक तबीयत के इंसान हैं और दीगर हजरात हमारे मंजर अहमान साहब, ये हजरात तशरीफ फरमा बड़े कीमती हजरात हैं, इनकी हमें कद्र करना चाहिए। ये हमारी कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, वरना अक्सर लोग तो वो होते हैं अहले स्टेज जो सिर्फ हमारी जेब के बारे में सोचते हैं। ये हमारी जेब के बारे में नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। इनकी कद्र कीजिए, इनकी अहमियत को समझिए। ये हमारी बहुत बड़ी नाहक शरासी और हमारी नाशुक्री है कि हम इन हालात की अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन बहरहाल ये अपनी तारीफ बना रहे हैं और इंशाअल्लाह इन्हें कौम कभी भूल नहीं सकती। मैं बड़ी तेजी के साथ अर्जगुजार होता हूँ, इन हालात में से किसी एक को आपके सामने पेश करूंगा। गुजारिश की है कि ये महफिल सिर्फ सारे तक इंशाअल्लाह ये महफिल अभी चलेगी, उसके बाद में हम अल्लाह आप हजरात नमाज जोहर अदा करेंगे और जितने भी हजरात आप शामीन में से हैं सबके खाने वगैरह का माकूल बंदोबस्त यही किया गया है, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर दूसरी बड़ी अजीम शान नशिश शुरू होगी जिसमें आप तमामी हजरात को शिरकत करना है। ये हजरात भी खाना तनाउ फरमाने के लिए तशरीफ ले जाएंगे, उसके बाद में तमामी हजरात बैरूनी ममालिक के भी हमारे मेहमान सब आएंगे। इसलिए बस मैं चाहता हूँ ये हजरात अपने चंद कलमात ही चंद जुमले ही हमें अता फरमा देंगे तो हम पर करम होगा। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ हमारे करम फरमा मुखलिस और मेहरबान हजरत मौलाना हाफिज अनवार शेरी कादरी मुजद्दी साहब की वार्ता हमें कि वो तशरीफ लाएं और अपने मकाले का खुलासा हमें समाप्त हमें पेश। قال الله تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتبعون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله مولانا العظيم مقالے کے لیے اعلان کر دیا ہمارے साहब ने और मैं भी इतफाक से कोशिश करता हूँ इसमें है एक बार दूसरे बात का मतलब विश्वास सलातम रसूलुल्लाह मुझे हुक्म हुआ था कि विलादत से हिजरत तक तो कुछ वक्त की किल्लत भी है और डिटेल भी शायद जरूरत नहीं है तो से थोड़ा सा चौथे खलीफे राशिद अली मुस्तफा बरीखे रहे भला खलीफे नारे भला مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء سیدنا ابو الحسن علی ابن ابی طالب قدم اللہ تعالیٰ رضی ہیں طریقت میں آپ کی شان عظیم اور مقام رفیع ہے اصول حقائق کی تشریح و تعمیر میں آپ کو کمال دسترت حاصل تھی یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیخنا فی رسول البلاء علی المرتضیٰ اصول بلا میں ہمارے رہنما اور پیشوا مولائے کائنات ہیں اس کے معاملات میں ہمارے امام ہیں علم طریقت کو اہل طریقت اصول کہتے ہیں معاملات طریقت دراصل بلاؤں کا تحمل ہے
आपका इसमें मुबारक अली और कुनियत अबुल हसन अब और लकब मुर्तजा सल्लल्लाह और हैदर कर्राब, आपके वालिद नाजिर हजरत अबू तालिब और दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। अबू तालिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी चचा थे। आपकी वालदा नानिदा का नाम फातिमा बिनत असद बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ था। ये अव्वल हाशमिया है कि जिनके शक्ल मुबारक से हाशमी पैदा हुई, जो इस्लाम लाई और जिन्होंने मक्का मुकरमा से मदीने मुनव्वरा को हिजरत फरमाई। उनकी नमाज जनाजा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और अपनी कमीज़े मुबारक से कफन पहनाया और उनकी लहर खोदी और उससे मिट्टी निकाली और खुद बनफ से नफीस उनके कब्र में लेटे ताकि उनसे लगता कब्र में आसानी हो और जन्नत के कपड़े पहनाए जाएँ। हज़रत अबू तालिब के बारे में तो कल आप मौलाना ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब से बहुत तफ़सील से उस मौजू पर जो आपका चढ़ा हुआ है ज़ेर बहस है और बहुत अच्छी उन्होंने कल राय दी थी कि मुस्बत पहलू कहीं रहा जाए और वैसे ही न जाने कहाँ कहाँ उलझी हुई है मामूली बातों में, तो लगने से कुछ हासिल उसूल है नहीं। तो मैं दो चार लाइनें और पढ़ लेता हूँ, बाकी बहुत कीमती लोग हैं उनकी आरा से आप महसूस होंगे। सैयदना मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शिकम मादर में थे तो आपकी वालिदा मादिदा अजीब वरीब ख्वाब देखती रही। कभी वो देखती कि नूरानी शक्ल के कुछ लोग आए हैं और मुझे खुशखबरी सुना रहे हैं और जब तक आप शिकम मादर में रहे मैं अजीब फरहत महसूस करती थी और जब कभी मैं किसी बुत को सजदा करने का किसका इरादा करती थी तो मेरे शिकम में इस जोर का दर्द शुरू हो जाता था कि मैं सब तकलीफ महसूस करने लगती थी। यहाँ तक कि मैं सज्दे से रुक जाती थी और कसदो इरादा ही रुकती थी। इस तरह के बहुत से अजायबात का जरूर होता था। विलादत के बाद सआदत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मशहूर है और जब इन्हें रवायतों को खंगाला गया के बाद भी हमारे एक ऐसी रवायतें हैं कि इनमें तीनों तरह की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मौलाए कायनात का मकाम और मरतबा आपकी फजीलत कौन बयान कर सकता है, वो तमाम पहलू इंशाल्लाह जो यहाँ से किताब छपी है इन तमाम मकालों की, मेरा ये मकाला भी उसी में है, आप समाज पर उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि वक्त की किल्लत के मद्देनज़र मेरा वक्त जो है उद्दीन साहब को मिल जाए ताकि बहुत ज़रा डिटेल से आज इस पहलू पर थोड़ा सा, हाँ ये मौलिद काबा पे थोड़ा सा रोशनी डालें इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौलाए कायनात के फ़ज़्ल व बरकात से मालामाल फरमाए और इस तरह प्रोग्राम के जो मकासद हैं उनमें कामयाबी अता फरमाए। सलाम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह के इनके कीमती मकालात किताब मतहात मौला अली में शामिल इशात किए गए हैं। आप हज़रात उस किताब को ज़रूर हासिल करें और मैंने कल भी अर्ज किया था बरकत के तौर पर आप अपने घरों में रखें। सरकार मौलाए कायनात का मुकम्मल तस्करा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें है। आप हज़रात उनकी फजीलत उनकी अजमत जला मर्दी बहादुरी और दीगर मुतालिकात से इंशाअल्लाह तमाम और रोशनास हो सकते हैं। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ हमारे मेहमान मंजर अमान साहब जो दिल्ली से तशरीफ लाए कि वो अपने ख्यालात और तासरात का इजहार फरमाएं। उन तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मंथन महफिल को सजाया हल करने के लिए दानिश्वरा उलमा को जमा कर देना बड़ा था। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज मेरे मकाले का मौजू उनवान मौजूदा दौर में मुसलमानों की जिम्मेदारी, बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी बात खत्म करता हूँ। आज दुनिया हमें कायदाना बजा कदर कता और शक्ल सूरत में देखना चाहते हैं। जी मैंने यही कहा। अच्छा
जबानी का रोना रोए। हाँ, हमें खुद ही कायम बनकर अपने मसाइल हल करते हैं। आज पूरी दुनिया इंकलाबी दौर से गुजर रही है। हालात बराबर नया रंग इख्तियार करते जा रहे हैं। सारी कौमें मिलकर आइंदा का नक्शा बना रही है। इस तरक्की पजीर दुनिया में जहां मुल्कों का पुराना निजाम बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम दुश्मन कौमें मादी और जाती तौर पर मजबूत होती जा रही है और मुसलमानों की दीनी व मिल्ली और तहजीबी खसूसियात को मिटाने की पहल कोशिशों में लगी हुई है। रूस की कम्युनिज्म हो या अमरीका और बरतानिया की सरमायादाराना जमहूरियत या दूसरे यूरोपीय ममालिक की आमरियत और जारहीत, ये सब नजरियात और निजाम हाय हयात के जबरदस्त फैलाव जो इस्लामी तहजीब और सकाफत को बहा ले जाना चाहते हैं। आपने देखा कि अमेरिका और उसकी हलीम जमातों और मुल्कों ने इस बेदर्दी के साथ फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और इराक की ईंट से ईंट बजा दी। वहां के जंगी तैयारों ने अवाम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, औरतों को बेवा बना दिया, बच्चों को यतीम कर दिया। यही नहीं बल्कि इस वक्त जो लोग बचे खुचे हैं वो खौफ और दहशत के साए में जिंदगी गुजार आए। भी हलाकतों के वाकया आप देखते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, सभी सत्ताधारी लोगों के गुण गा रहे हैं। मस्कुरा वाला तमाम निकाह तो असबाब की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए थे, अब आते हैं इन हालात से निपटने और उसके तदारुक के लिए। हम क्या कर सकते हैं इस पर? तो हमें सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि हमारा हरीफ किस तरह की कुव्वत का इस्तेमाल करता है। अगर हम उस तरह की कुव्वत का इस्तेमाल ना कर सकें तो कम से कम उन जैसी कुव्वत का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि उन वसाइल की कमी का शिकवा करेंगे तो उसका इलाज भी है। मेरे पास शुक्रिया मैं करता हूं मार्क जुकरबर्ग का, जो शख्स ने दुनिया के हर शख्स को जर्नलिस्ट बना दिया फेसबुक देकर। आप अंदाजा लगाएं कि फेसबुक की दुनिया एक ऐसी जूद असर दुनिया है कि अपनी बातों को ढंग से रख सकते हैं, जिसमें हमें किसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ी। बस उसके इस्तेमाल का सही तरीकाकार पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। मुंतखब मौजूआत पर छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाकर हम शेयर कर सकते हैं या लाइव आकर अपनी बात भरपूर अंदाज में रख सकते हैं। ये तो ऐसा है कि आप और ऐसे ही हाल है ट्विटर तो ऐसा है कि आप जिस शख्स को, जिस मिनिस्ट्री को, जिस इंसान को भी अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं हिंदुस्तान या बल्कि पूरी दुनिया में, वहां तक उसको टैग करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। और हुजूर वाले, ये सब मेरी जाती तजुर्बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कई बार ट्रेन में होने वाली परेशानियों, पानी वगैरह का इंतजाम कराने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया है और उस पर बहुत हद तक कामयाबी भी हुई। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हमारे ऐसे शख्स की भी कमी है जो आलिम भी हो और लॉयर भी हो। जब तलाक-ए-सुलासा का मसला छिड़ा तो हमारे पास कोई ऐसा वकील नहीं था कि जो आलिमाना अंदाज में अपनी बात रख सके। हमारी तरफ से इस्लामी शरीयत से बिल्कुल नावाकिफ शख्स एक वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग बहस कर रहे थे। उस दौरान अपनों के न होने का एहसास ऐसा था कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की खास जरूरत है। हमारे पास मीडिया में लोगों की कमी, हालांकि आजकल मीडिया ही कोर्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं, हम किए जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके हम अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, जो बहुत ही जूद असर है। एक सबसे अहम बात कि हमारे यहाँ समाजी कारकुनान की भी बहुत ज्यादा कमी है। हुजूर, या कल समीर सिंह जी के साथ पूरा ग्रुप समाजी कामों पर तवज्जो दे रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कमी है। तो उस कमी को भी दूर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ सवाल हैं जो करना चाहता हूँ, जबकि हमने कभी किसानों के हुकूक और उनके साथ दरपेश होने वाले मसाइल पर आवाज उठाई? जबकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसान इस जमीन पर अल्लाह के खजाने हैं, क्या हमने कभी औरतों के हुकूक की बात की? क्या कभी हमने मजदूरों के साथ होने वाली हक तलफी के खिलाफ आवाज बुलंद की? क्या कभी हमने अपने हिंदुस्तान की आर्मी या पुलिस अमला के साथ होने वाली नाइंसाफियों का तस्करा किया? क्या कभी हमने पसमानदा तबकात की तालीम पर गुफ्तगू की? बिल्कुल नहीं। क्या कभी हमने उनके लिए तालीम के इंतजाम की तरफ तवज्जो की? नहीं। क्या कभी हमने माहौलियात इन्वायरमेंट के तहफ्फुज़ के लिए कुछ इकदाम किए? हालांकि ये तमाम चीजें इस्लाम के लिए नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है बल्कि मौजूद है, बस जरूरत है इसको एग्जीक्यूट करने की।
मानता हूं कि मेरी बातें तर्क होंगी, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ इस तरह के मिली और सामाजिक मसायल में हमेशा पार्टिसिपेट करता रहता हूं। बल्कि आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए एक चीज बता दूं कि जो तलबाए मदारिस आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए हम दिल्ली में फ्री कोचिंग का इंतजाम करते हैं, और अभी बाजार दो तीन सालों से वो फ्री कोचिंग का इंतजाम है, चल रहा है रेगुलर। और मैं दरखास्त करूंगा हुजूर की अगर कोई भी बच्चा जो आने फासिल हो अगर आना चाहे दिल्ली तो हम लोग के लिए दरवाजे वहां पर खुले हैं बच्चों के। मुल्क जबकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जी रहमते आलम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हमारी एक सोसाइटी है जो तमाम मदारिस के उन बच्चों पे फोकस करती है जो कि मदारिस से पढ़कर यूनिवर्सिटी का रुख करना चाहते हैं और वो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। चूंकि कॉलेज के स्टूडेंट के साथ बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती, मदारिस के तलबा के साथ दिक्कत आती है, उनकी गाइडेंस काउंसलिंग कैरियर कैसे बनाना है, किस फील्ड को चूज करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, लेकिन मदारिस के तलबा के साथ ये दिक्कत बहुत पेश आती है। इस वजह से उनके लिए हमने करियर गाइडेंस काउंसलिंग का एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है और वो रेगुलर तीन सालों से ये फ्री कोचिंग का इंतजाम किया जाता है। बल्कि जनवरी और जनवरी के एंड से फेब के शुरू से कोचिंग शुरू कर दी जाती है जहां पे मदारिस के तलबा कोचिंग लेते हैं और रिजल्ट भी 100% होता है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो जाता है। तो आप में से भी कोई अगर ख्वाहिशमंद हो तो जरूर रब्ता करें, इस्तेमाल किया जाए। और ये सब काम तो हमारे थे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाते हैं कि सामाजिक कामों में हिस्सा लो, मतलब उनके और का उनकी हदीस का मफहूम बता रहा, सामाजिक कामों में हिस्सा लेते रहना चाहिए, दर्दमंदों के मदावा बन जाओ, परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने वाले बन जाओ, गमगुसारों के गमखार बन जाओ, किसानों की आवाज बन जाओ, मुल्क को दरपेश होने वाले नागहानी मसाइल में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बन जाओ, भटके हुए नौजवानों के लिए हादी बन जाओ, समाज से जुड़े मसाइल के तदारुक को बबागे दुहुल बोलने वाले कायद। दोस्तों ये सिर्फ हवा में फेंकने वाली बातें नहीं है बल्कि ये करना है, क्योंकि दुनिया में इमामत का मकसद हमें दिया है, इसलिए हमें खुद आगे बढ़कर अपनी इमामतों क़यादत के मनसब को संभालना होगा, उसको अंजाम देना होगा, अपनी इमामत के फ़राइज अंजाम देने होंगे। दुनिया हमें इस कायदाना शक्ल में देखना चाहती है जो हमारा सदियों से वतीरा रहा है, आदतें रही है। अगर हमने अपना पुराना शहर अपना दिया तो मुझे उम्मीद है कि हम तमाम मसाइल को सिर्फ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उसको हल कर देंगे। शुक्रिया। इस तरह जामे अंदाज में ये हजरात फरमा रहे हैं, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं, हमारे देवीना करम फरमा हजरत मौलाना जफरुद्दीन बरकाती साहब एडिटर माहनामा कंजुल ईमान देहरी की बारगाह में अर्ज़ पेश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने मकाले का निचोड़ हमारे और आपके सामने बयान फरमाएं। ये जश्ने मौला अली है, आलमी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल सेमिनार। इंटरनेशनल का मतलब ये है कि कई मुल्कों के मेहमान आए हुए हैं और आपको मालूम है 13 मुल्कों के मेहमान हिस्सों में। कन्नौज शरीफ के इस जलसे में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का मौजू एक दूसरे में जम होता है, हर महफिल में किसी न किसी मौजू पर आपको बोलना है। ये जश्न मौला अली है तो हजरत मौला अली के हवाले से मकालात पढ़े जाएंगे, तकरीरें की जाएंगी, साथ में हर महफिल के साथ जो सेमिनार का मौजू होता है
उस पर भी खिताबात होते हैं, उन पर भी तकरीरें होती हैं, ताकि एक साथ दोनों तरफ का जाम आपको पिलाया जा सके। इस साल का जो मौजू है, मौजूदा दौर में मुसलमानों की जिम्मेदारियां, जिस तरह की भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, तो दोनों मौजूदात पर आपको खिताबात सुनना है, मकालात उलमा कराम पढ़ेंगे, उन्हें आपको सुनना है, समझने की कोशिश करना है। अब ये देख रहे हैं पूरा खुलासा हम लेकर आए हैं, पंजतन पाक के नाम पर पांच पैगाम। मौजूदा दौर के हिसाब से हजरत मौला अली की जिंदगी से हमने पांच चीजें निकाली हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फतेह मक्का हुआ तो जब लश्कर इस्लाम मक्के में दाखिल हो रहा था, तो उस वक्त लश्कर इस्लाम का जो अलम था, झंडा था, वो हजरत साद बिन उबादा के हाथ में था, और आप तुरंत आवाज से फरमा रहे थे कि आज खुरेजी का दिन है, आज काबे में हर वो काम हलाल है जो पहले हलाल नहीं था। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा, परचम इस्लाम उनके हाथ से लेकर के हजरत अली के हाथ में दिया, और आपने फिर क्या कहना शुरू किया, आज कुरैशी का दिन नहीं है, आज काबा की अजमत और पाकीज़गी के इजहार का दिन है, और आज गुनाहों के माफी का दिन है, तुम्हारे सारे गुनाह माफ किए जाते हैं। तो इससे पहले जो हजरत साद बिन उबादा के हाथ में परचम इस्लाम था, और उस वक्त जो बोल रहे थे कि आज कुरैशी का दिन है और काबा में वो हर वो चीज हलाल है जो पहले हलाल नहीं थी, ये बात इस्लामी शरीयत, शारे इस्लाम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत, उनके मिजाज, उनके मिशन, नबूवत और रिसालत हर एक के खिलाफ थी, इसलिए आपने परचम इस्लाम हजरत अली के हवाले किया, लेकिन साथ ही मुवादा परचम इस्लाम उठाए हुए थे, उनकी दिलशिनी नहीं की, उन्हें रोका नहीं, उन्हें डांटा नहीं, उन्हें फटकारा नहीं, बस परचम इस्लाम दूसरे के हवाले किया और जो पैगाम देना था वो दे दिया गया। इसमें हमें पैगाम ये देना है कि अगर दो तरह की बात आपके सामने आती है और एक गलत है दूसरी सही है, तो मैदान जंग में है या मैदान अमल में है या किसी इदारे में है, किसी यूनिवर्सिटी में है, कोई स्कूल चला रहे हैं, तो जो जो मौके पर जिस चीज को आगे रखना है, जिस बात को आगे रखना है, उसको आप रख लीजिए, बाद में कहिएगा तुम गलत बोल रहे थे, बाद में कहिएगा तुम गलत लिख रहे थे, बाद में कहिएगा तुम गलत पेश कर रहे थे, मौके पर उसकी दिलशिकनी मत कीजिए। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और दूसरी सुन्नत क्या है कि जो काम जिससे लेना है उसके हवाले करो, और जो पैगाम जब देना है पैगाम दिलवाने की कोशिश करो। ये इसमें पैगाम हमारे लिए सबक ये है। काबा शरीफ में दाखिल हुए, काबा शरीफ में दाखिल होने के बाद सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी सफाई शुरू की। काबा जो मस्जूद है जहां सजदा किया जाता है अल्लाह ताला को, उसमें 360 बुत रखे हुए थे, मतलब काबा की तबीयत उसकी बुनियाद के खिलाफ। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ना शुरू किया। एक बुत ऐसा था जिसको लोहे की जंजीर में लगाकर लटका दिया गया था, उसको तोड़ना मुश्किल था, उस जंजीर से निकालना पड़ा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बैठो, मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के उसे निकालूंगा पील। लेकिन जब कदम मुबारक के सामने को रखा तो अंदाजा हुआ था ये हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब अल्लाह के रसूल ने कहा मैं बैठता हूं, तुम मेरे कंधे पे चढ़ो। तो हजरत अली को अपने कंधे पे चढ़ाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कील निकलवाई और बुत को नीचे गिराया और उसको बाहर निकाला। इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है, हम हमेशा अपने मातहतों को मातहत ही रखना चाहते हैं, पैरों के नीचे ही रखना चाहते हैं, हमारे सामने
की पाकीज़गी, अमल की पाकीज़गी पर नजर होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे माध्यम ने ऐसा क्यों किया और हम ऊपर ही रहेंगे, हमारा हाथ ऊपर ही रहेगा, हमारा कदम ऊपर ही रहेंगे, हमारी बात ऊपर ही रहेगी, हमारी हर चीज ऊपर रहेगी, इसलिए रहेगी कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, अल्लाह की शरीयत पे लोग अमल करने लगे। इसके हमारे लिए ये पैगाम है, बहुत साफ सुथरी बात है कि अल्लाह के रसूल ने अपने कदम को उनके कंधे पे रखना चाहा, देखा ये कमजोर है तो खुद बैठ गए और अपने कंधे पे उनको चढ़ा लिया। तो हमें अपनी मंजिल पर नजर होना चाहिए, असबाब पे नजर नहीं होना चाहिए, और बड़ों को ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने मातहतों को जलील करके, नीचा दिखा करके, नीचे रख करके किसी इस्लामी या किसी भी चीज को हासिल करने की कोशिश न करें। मंजिले मकसूद असल है, ये असबाब असल नहीं है। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है, हमारे यहां मुखबिरी बहुत चल रही है, मुखबिरी एक दूसरे की खबर तो हसद डा, और हम सफाई भी देते हैं तो कोई पसंद नहीं करता, सुनना ही चाहता है, तो बस सफाई है। हजरत अली पे जश्न मना ले और चार यार का उर्स कर ले या जितना जो कर ले, लेकिन अगर उनकी बातों पर अमल नहीं है तो इसका कोई हासिल नहीं है। पंजतन पाक लिख करके अपने दरवाजे पे टांग दे और उनकी उनकी तालीमात पर अमल नहीं है तो इसका फैजान नहीं मिलेगा। ली खाम ये लिख गिरा दीजिए, उसका फायदा नहीं मिलेगा अगर उसके खिलाफ हमारा अमल। हजरत हातिब बिन बल्त्या, ये सहाबी रसूल है और फतेह मक्का के लिए लश्कर की तैयारी हो रही है, उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इंतजाम कर रखा था कि लश्कर इस्लाम की कोई भी खबर मक्के में नहीं जाना चाहिए। तो आपने रास्तों में पहरा बिठा रखा था, कोई शख्स कोई चीज लेके जाता है या क्या कहता है, कैसा है, किधर से आ रहा है, उसकी खबर रखो। एक औरत थी जो बड़ी तेजी से मक्के की तरफ जा रही है, बुढ़िया थी, उसको पकड़ा गया और पूछा गया कि और पकड़ने को और गया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए और आप जब आई हैं, तो औरत जब जैसे आई है उससे पूछा गया कि क्या लेके जा रही थी, उसने बताया कि ये खबर हातिब बिन बल्त्या ने दिया था, कुरैश के काफिरों के नाम एक पैगाम था जिसे मैं लेके जा रही थी, जब आपका रुका बढ़ा गया तो उसमें ये लिखा था कि मदीने में तुम्हारे खिलाफ लश्कर कशी की तैयारी चल रही है, तुम होशियार रहो। ये सहाबी रसूल है, रसूलुल्लाह की बारगाह में है, मदीने शरीफ में है, मक्के वालों के खिलाफ है, लेकिन मक्के वालों को खत लिख रहे हैं। अब सारे सहाबे कराम गुस्से में आ गए, हजरत उमर फारूक आजम की तलवार निकल गई कि इस मुनाफिक को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहले उसकी बात सुन ली जाए, उसने ऐसा लिखा क्यों है। हजरत हातिब बिन बल्त्या को आपकी बारगाह में पेश किया जाता है, हजरत हातिब बिन बल्त्या पेश अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे बाल बच्चे मेरी अहलिया ये सब अभी मक्के में, और अगर ये हालात खराब हो गए, जंग हुई और हम वहां पे काबिज हुए, अगर लश्कर इस्लाम वहां काबिज हुआ तो जब हालात खराब होंगे तो मक्के के लोग मुसलमान के बच्चे और बीवी समझ करके हमारे आलो औलाद पर जुल्म कर सकते हैं, तो हमने अपने आलो औलाद पर एहसान करने के लिए खत लिखा था जिसका मैं हवाला देकर यह कह सकूं कि मैंने तो तुम्हें एक आफत से बचाने की कोशिश की थी, उसका सिला यह था कि मेरे बच्चों पर तुमने जुल्म किया, तो अब मैंने अपने बच्चों पर जुल्म को रोकने के लिए यह खबर भेजी है, इसलिए नहीं भेजी है कि लश्कर इस्लाम को पसवा कर दिया जाए या कुफारे कुरैश हमारे ऊपर गालिब हो जाए, मैंने खुदा की कसम अपने बच्चों की भलाई के लिए यह किया है, मुखबिरी नहीं की है, साजिश नहीं की है, किसी तरह का कोई दगा नहीं किया है, धोखा नहीं दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया और कहा कि इनकी वजह माकूल है, इन्हें माफ किया जाता है। इसमें आपके लिए क्या पैगाम है, इतनी बड़ी वजह लश्कर इस्लाम के सामने, लश्कर कुरैश है,
और किसी भी खबर